फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे छोटे बेबी के लिए मैंने स्कर्ट की कटिंग आपको दिखाई थी, जैसे इलास्टिक वाला जो स्कर्ट है इसकी मैंने आपको कटिंग दिखाई थी, अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों साइड इसी तरह से है, जैसे आगे का एक पल्ला है और बैक साइड का एक पल्ला है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो इसे क्या करना है, पहले एक साइड में हमें इसको ज्वाइन करना है, एक साइड में हमें इसको इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको एक साइड को ज्वाइन किया है। अब ऊपर का कमर का जो हिस्सा है, ये जो कमर की साइड है ऊपर की साइड, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, क्वार्टर इंच। क्वार्टर इंच फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें जितना हमारा इलास्टिक, ये जो पतला इलास्टिक है, ये पतला इलास्टिक हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये इलास्टिक डालने के लिए जितना हमें फोल्ड चाहिए उतना हम ये फोल्ड करने वाले हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यहाँ पे हमें इलास्टिक डालने के लिए ये पट्टी तैयार करनी है। इस तरह से ये पट्टी जो हमने तैयार की है, इस तरह से ये पट्टी तैयार करनी है। जैसे ये फ्रंट साइड में हमने ये पट्टी को फोल्ड किया है, इसी तरह से ये बैक साइड में पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अभी यहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए ये पट्टी जो है वो तैयार की है। जैसे ऊपर के साइड में पट्टी को इस तरह से हमने ये फोल्ड किया है। अब नीचे के साइड में आपको पीको चाहिए तो पीको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीको करने वाली हूँ। इस तरह से हमें ये कमर का, जितना आपका कमर होगा उससे आपको 3 या 4 इंच आपको कम लेना है। अभी यहाँ पे हमने जो इलास्टिक लिया है इसे हमें पिन की मदद से इस तरह से अंदर के साइड में इसको डाल देते हैं। अब दूसरी साइड से हमें इसको निकालना है।
इस तरह से हमने ये इलास्टिक को, अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे इलास्टिक को हमें पैक करना है जैसे यहाँ पे हम स्टिच करते हैं। अभी यहाँ पे हमने इलास्टिक को पक्का किया है, अब इसे ये जो प्लेटें हैं इसे हमें सीधा इस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इलास्टिक डाल के ये जो स्कर्ट है छोटे बेबी के लिए ये स्कर्ट बनाए हैं, और यहाँ पे जो नीचे के साइड में है यहाँ पे हम पिको करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये घेरेदार स्कर्ट तैयार हो गया है। इस तरह से हमारा ये छोटे बेबी के लिए घेरेदार स्कर्ट जो है वो तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको स्टिच किया है पक्का किया है तो अब साइड में हमें अच्छे सा इतना हमारा ये घेरा हो गया है। अब एक साइड जो हमारी पक्की करने के लिए बाकी है सिलाई लगाने की वो हम लगाते हैं। जैसे ये साइड जो है इसे हमें इस तरह से उल्टा करके फिर इलास्टिक के ऊपर भी आपको ये सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे आपको पूरी सीधी सिलाई लगानी है तो ये इलास्टिक भी हमारा पक्का हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये छोटे बेबी के लिए ये स्कर्ट तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे हमें नीचे के साइड में पिको करना है और यहाँ पे हमें इस तरह से ये घेरा जो है ये बहुत ही सारा घेरा आया है। यहाँ पे मैंने आपको स्कर्ट तैयार करके दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप छोटे बेबी के लिए जैसे बचे हुए कपड़े में से भी छोटा स्कर्ट या छोटी पैंट आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये स्कर्ट बना के दिखाया है।